सैमसंग ने जेनिया सोपचैक इस लेडी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जेनिया को पब्लिक में सिर्फ सैमसंग का मोबाइल ही यूज करना था। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान जेनिया एप्पल आईफोन एक्स को यूज कर रही थी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से गलत था। फिर बाद में सैमसंग ने जेनिया के ऊपर पूरे 12 करोड़ रुपीज का जुर्माना लगाया था।